हम आइडियल गैस एंड रियल गैस देख चुके थे। आइडियल गैस क्या होती है? जो आइडियल इक्वेशन को फोनिस उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, और जो इक्वेशन मींस किसको फॉलो करेगी? पी प्लस होगी वो क्या आएगी? यहां से ये टर्म नेग्लेक्ट हो गई,
यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, तो इक्वेशन जो हमारी आई वो आई PV इज इक्वल टू RT, इक्वेशन विल बी PV इज इक्वल टू RT. इसका मतलब क्या है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस. जब हम लो प्रेशर की बात करेंगे तो जो हमारी रियल गैस है वो कैसे बिहेव करती है, एज आइडियल गैस. आगे बात समझ में, इसी तरह हमें बिहेवियर देखना है रियल गैस का एट हाई टेम्परेचर. या फिर पहले हाई टेम्परेचर पर ही देख लेते हैं, प्रेशर तो हम देख चुके हैं, अब देखेंगे हम एट वेरी हाई टेम्परेचर. ग्रेविएशन की बिल्कुल रिवर्स कंडीशंस लेनी है. वहां पर हमारा हाई प्रेशर था, लो टेम्परेचर था, यहाँ पर हमने लो प्रेशर लिया है और हम हाई टेम्परेचर ले, ठीक है. अब इतना प्रोसीजर तो सेम है, हमारी ये वंडर वॉल इक्वेशन होगी, ये हो गई हमारी वंडर वॉल इक्वेशन. वी एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारी एन की वैल्यू 30, राइट. इट विल बिकम टी प्लस ए बाय बी स्क्वायर और वी माइनस बी इज इक्वल टू आर. अब बात आती है हाई टेम्परेचर की. अब जैसे बॉयल स्लो था हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास एक कौन सा लो था, हमारा चार्ल्स लो. चार्ल्स लो क्या कहता था कि V is directly proportional to T. अब वॉल्यूम क्या है, हाई है. वॉल्यूम क्या है, सॉरी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो वॉल्यूम भी हमारा हाई होगा. तो एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट. वॉल्यूम ज्यादा होगा तो अगेन ए बाई बी स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा. इसी तरह बी भी क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट. तो क्या बचेगा, यहां से ये टर्म नेग्लेक्ट हो गई हमारी, यहां से ये नेग्लेक्ट हो गया, तो बचा पीवी इज इक्वल टू आर टी. इसका मतलब क्या है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस. मतलब क्या है, इन दोनों डेरिवेशन का रिजल्ट क्या आया, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जो हमारी रियल गैस है वो बिहेव करती है एज आइडियल गैस. तो हम इसे नोट बनाकर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये एमसीक्यू टाइप के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस. जो हमारी रियल गैस होती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर वो बिहेव करती है एज आइडियल गैस, राइट. चलो, तो ये बात हो गई रियल गैस के बिहेवियर की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई एच टू एंड वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम, वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम शो एक्सेप्शनल
बिहेवियर या फिर हम बोल सकते हैं ओवर डेविएशन, और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों शो करती है ये हमें बताना है, और बताना भी कैसे है, एक्सप्लेन बाय यूजिंग बोनर वॉल इक्वेशन। Right?
तो ये बात देख ली हमने आइडियल गेज के बिहेवियर की अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव या वैन डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके डेविएशंस। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक लॉ हमारा, अभी भी हमारे इस चैप्टर में हमारे दो लॉ बाकी हैं। तीन लॉ हम कर चुके हैं, कौन कौन से? एवोगैड्रोस, बॉयल्स एंड चार्ल्स। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Next is, what is Dalton's law? What is Dalton's law of partial? का मतलब क्या होता है? अधूरा। What is Dalton's law of partial pressure? अब देखो, Dalton's ने क्या बोला था? मान लो, मेरे पास तीन कंटेनर्स हैं, तीन कंटेनर्स में मेरी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। इसमें मान लो मेरी ए गैस है, इसमें बी है, इसमें सी है, राइट? मान लो इसमें इसका प्रेशर है पी वन, इसका है पी टू और इसका है पी थ्री, ठीक है? अब पहले हम इसे समझते हैं कैसे कि मेरे पास थ्री स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं उन तीनों का टेस्ट लूं, अगर मैं आप लोगों में से थ्री स्टूडेंट्स को चूज करूं और उन थ्री स्टूडेंट्स का टेस्ट लूं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में बैठा के, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों अलग अलग रूम्स में अकेले अकेले बैठे हुए हैं, तो जो उन्हें आता होगा सिर्फ वही कर पाएंगे, राइट? तो अलग अलग कंटेनर्स में है, अलग अलग रूम्स में है, एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं है, मींस एक दूसरे से साथ कोई रिएक्शन नहीं है उसका। लेकिन जैसे ही क्या करूं मैं, इन तीनों गैसेस को मैं एक ही कंटेनर में फिल कर दूं, जैसे ही मैं इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में फिल कर दूं, मींस मैं आप में से जो मैंने तीनों बच्चे चूज किए थे उनको मैं एक रूम में बिठा रही हूँ टेस्ट के लिए, ठीक है? और मैं आ गई बाहर, क्या उनका रिजल्ट वही रहेगा जो पहले अलग अलग रूम में था? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे से पूछेंगे कुछ ना कुछ, आंसर गलत होने का भी चांस है और ठीक होने का भी, तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? लेकिन डाल्टन ने अपना लो देने से पहले क्या बोला कि जो हम ये तीन गैसेस ले रहे हैं या जो वो तीन बच्चे जो मुझे चूज करने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात ना करें, मतलब अपनी स्टडीज के लिए बिल्कुल लॉयल हो कि जो उन्हें आता है सिर्फ उतना ही करें, मींस ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। डाल्टन के लॉ की कंडीशन क्या थी? अगर मैं तीन गैसेस लूं सेम कंटेनर, अलग एक कंटेनर में, तो गैसेस जो होनी चाहिए वो मेरी केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो मतलब आपस में रिएक्ट ना करें, तो जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर वो क्या होगा? इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स। अगर आपस में रिएक्ट कर गई तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो डाल्टन्स के लॉ की मेन कंडीशन क्या थी? कि हमें केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैस मिली। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन टू और मोर व्हेन टू और मोर गैसेस when two or more gases which do not react chemically with each other enclosed in a vessel then total pressure exerted by gaseous mixture is equal to sum of their partial pressures मतलब क्या बोला है डाल्टन ने, अगर हम क्या ले दो या दो से ज्यादा गैसेस ले जो आपस में रिएक्ट ना करती विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स का ही सम होगा। ठीक है, ऐसा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नहीं क्यों ले, केमिकली रिएक्ट कर जाते तो क्या हो जाता, अगर वो आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाते तो कोई ना कोई और कंपाउंड फॉर्म होता, न्यू कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाता, प्रेशर पहले जैसा तो रहना नहीं था। जैसे हमने मास की बात की, आपस में रिएक्ट करते तो मास पहले जैसे सेम ना रहते, इसी तरह प्रेशर भी सेम ना रहता, प्रेशर डिफरेंट हो जाता, इसलिए उसने कंडीशन डाली जिसकी केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज की केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो ये है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। अब हमें पढ़नी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन इज व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट। आप सभी को पता है हर चीज किससे बनी होती है, छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। तो यहाँ पर गैसेस की बात हो रही है, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी गैस इज मेड अप ऑफ, गैस इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या नाम लेंगे हमको, कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट क्या है, अब वही एग्जांपल है हमारा, गैस है, जिस भी कमरे में आप गैस बैठे हो ऑब्वियसली बात है उसमें गैस तो होगी होगी, दिखाई नहीं दे रही, तो छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब कर ही दिया। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स का आपस में क्या है, दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से
लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से उनके बीच में ना अट्रैक्शन होता ना रिपल्शन होता। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत दूर दूर देशों में बैठे हैं, अब डिस्टेंस ज्यादा है ना, आप लोगों को उनसे लगाव है इतना कोई खास ना, उनसे कोई प्यार है, ठीक है। तो वही बात गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होगी कि ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्या होता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जो हमारे अट्रैक्शन के और रिपल्शन के फोर्सेस हैं, इनके बीच में बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेगलिजिबल, वो ना के बराबर होते, मींस आपस में ना उनका कोई प्यार होता ना ही उनका कोई वैर होता, राइट, क्योंकि दूर दूर है, दूर दूर है तो इतना कोई खास मतलब ही नहीं है उन्हें आपस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब देखो गैस के ऊपर कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करता। अब ग्रेविटी आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को नीचे अर्थ पर खींचने के लिए आता है, जैसे मैं पेन को ऊपर उछालू, बॉल को ऊपर उछालू, क्या होता है, अल्टीमेटली उसे नीचे ही आना होता है, हवा में नहीं लटकता, राइट। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी, या कभी देखा ही नहीं होगा कि कहीं कोई गैस पड़ी हुई है, कि वो देखो हीलियम गैस का ढेर लगा हुआ है, वो देखो हाइड्रोजन गैस का ढेर लगा हुआ है। हमेशा गैस कहाँ होती है, हमारे एटमोस्फेयर में उड़ती रहती है। इसका मतलब क्या है, गैसेस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, गैसेस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, ऑन गैस मॉलिक्यूल्स is negligible, वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, राइट। अब वही बात कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें बहुत सारी गैस होगी, तो थोड़ी सी गैस अंदर बाहर हो जाए तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो उसके कंपैरिजन में हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम आर सेपरेटेड फ्रॉम each other by large distance, are separated from each other by large distance. So the volume of one molecule is negligible. So the volume of one molecule is negligible as compared to total volume of gas. एक पार्टिकल का मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम हम नेगलेक्ट कर सकते हैं as compared to total volume of gas, right? तो ये हो गई बात इसकी, वॉल्यूम की। अब देखो सभी आप लोगों
में से बॉयज बाइक चलाते ही होंगे, गर्ल्स को एक्टिवा चलाती चलाते हैं, राइट। तो एक्टिवा बाइक की बात छोड़ो, साइकिल साइकिल सबने चलाई होगी, साइकिल भी नहीं गुब्बारा तो सबने भरा ही होगा, राइट। तो क्या होता है, मान लो ये कोई गुब्बारा है, ये है कोई बैलून, पहले हम बिना फूला ऐसे से कोई गुब्बारा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, बिना फूला हुआ, सबने गुब्बारा फुलाया ही होगा। कई बार क्या करते हैं, उसको आधा बंद कर देते हैं फुला के, तो देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में हम हवा भरते हैं वो उसी डायरेक्शन में नहीं जाती, आप हवा बीच में भरते हो लेकिन वो फैल जाती है चारों तरफ है। गुब्बारे में हम हवा यहाँ से बीच से भरते हैं तो वो जानी चाहिए बीच में, लेकिन गुब्बारा सारा फूल जाता है, राइट। मीन्स कि जो हमारी गैस है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन होती है, गैस की डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब जैसे गुब्बारा थोड़ा सा भर गया तो जिस हिस्से में गैस भर गई है तो दोबारा हम उसमें गैस भरेंगे तो वो वहां नहीं जाएगी, कहाँ जाती है, दूसरे हिस्सों को फैला देती। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो गैस है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है विद डिफरेंट वेलोसिटीज। और क्या करती है फिर, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो जिस भी कंटेनर में हम डाल रहे हैं, जैसे हम गुब्बारे की बात करते हैं तो गुब्बारे की लेयर पर वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन different direction, moving different direction with different velocity, right, and exert pressure. और साथ में क्या करते हैं, pressure exert करते हैं। और pressure क्यों exert होता है, because they collide with one another, because they collide with one another, और साथ में किससे करते हैं, add to the walls of container, right। तो यहां से हमें पता चल गया कि गैस की कोई फिक्स स्पीड नहीं होती, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम पहिए में भी अपने गैस डालते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। और देखा होगा शुरू में बहुत तेजी से गैस अंदर भरते हैं, राइट, इतना जोर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पहिए में गैस ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर हम कम अप्लाई कर पाते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड। इसी तरह फिजिक्स में आप लोग एक इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हो, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि आपस में कोलाइड करो लेकिन एनर्जी का कोई लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम मासेस के होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, गैस molecules are perfectly elastic, spheres are perfectly elastic, they do not lose their energy on collision. इसी तरह सेवन पॉइंट की बात करते हैं। सेवन पॉइंट क्या है कि देखो गर्मियों में पेंचर वगैरह ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो जिस वजह से वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं